हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह नया सा टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर जो भी हम घर में करेला आता है तो बच्चे होते हैं शैतान और खाने को नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिससे बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कि करेले को थोड़ा सा इस पे हम रब करते जाएंगे, जिससे इसका थोड़ा थोड़ा जो है कि इसका छिलका निकाल देंगे इसका, तो करेला का कड़वापन जो होता है कि कम हो जाता है और काफी जो है कि टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, इसमें जो तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कि रब करते जाएंगे, जिससे इसका जो छिलका सभी जो है कि निकल जाएगा और इसका जो तीखापन जो करवापन है सभी निकल जाएगा और इससे करवापन इसका कम भी हो जाता है और बच्चे बड़े सभी मंग मंग कर और उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो दोस्तों जो है कि हम इसी तरह से जो है सभी करेले को छिलका उतार लेंगे, छिलका नहीं होता है इसका जो है कि करवापन जो है इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, अक्सर जो होता है कि हम करेले को उबालते हैं तो उबालते समय जो होता है ना कि इस तरह से हम उबाल लेते हैं, तो इसके लिए हम पानी में एक चम्मच नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको करेले को डाल देंगे, जिससे इसका करवापन नहीं आएगा। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो होते हैं कि ये लासा है और ये आम का लासा नहीं है, बिल्कुल ये पेड़ बेल के पेड़ का लासा है। तो मेरे बगीचे में जो है कि बेल के पेड़ है, इस बगीचे में अगली जो टिप्स है वो है दोस्तों फेस रिंग को लेकर। तो अभी शादी पार्टी का टाइम है और अक्सर शादी में जाना होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि नेल जो है कि हम नेल को कैसे पेंट करें, जिससे ये पूरे हाँ जो है कि नेल लगा पेंट करते समय जो है कि नेल पॉलिश जो होता है कि पूरे में लग जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हम नेल सभी उंगली में लगा लेंगे, फेसलिंग इस तरह से लगा लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि और इस तरह से जो है कि अब हम नेल पॉलिश को लगाएंगे। तो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों, पहले हम पूरी उंगली को हम नेल पॉलिश लगा लेंगे दोस्तों, काफी बढ़िया से लगा लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इस तरह से सभी उंगली में हम जो है कि नेल पॉलिश लगा लेंगे। आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरह से नेल पॉलिश लगा के कि हम कैसे इसको इस वेसलिंग को क्या काम है और इस तरह से जो है कि वेसलिंग लगाने से क्या फायदा होता है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरह से जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं इस तरफ से जो होता है कि उंगली में पसर जाता है ये नेल पॉलिश, तो देख ही सकते हैं आप। तो अब हम लेंगे एक सूखे कपड़े और इस तरह से जो है कि हम पोंछते जाएंगे तो इधर उधर फैलेगा नहीं और जो भी फैला है सभी अच्छी तरह से जो है कि निकल जाता है और देखने में भी खराब नहीं लगता है। तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं, काफी यूजफुल टिप्स है। तो दोस्तों, जरूर से जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा, ये काफी यूजफुल टिप्स है। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो क्या दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह से ब्लू रंग से हम नेल पॉलिश लगाने के बाद में इसको ब्लैक रंग क्या कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आपको हम दिखा देते हैं कि इस तरह से पहले हम डार्क में लगा लेंगे ब्लू रंग और काफी ज्यादा जो है कि ब्लू ब्लैक सभी अच्छा लगता है। तो इस तरह से दो कलर से ही हम इसको बनाएंगे
तो बिल्कुल जो घर में है इसी को हम यूज करके दो कलर में बना ले, ब्लैक कलर में बना लेंगे। तो पहले जो है दोस्तों इधर उधर जो पसर चुका है इसको हम पोंछ लेंगे, और आपको हम दिखा देते हैं कि अब इसी जो है मैरून कलर की नेल पॉलिश से हम इसको ब्लैक कलर का बनाएंगे। काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ब्लैक या कह सकते हैं या तो कॉफी कलर कह सकते हैं, काफी जो है कि देखने में खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से इसका कलर बहुत ही बढ़िया उभर कर आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इस कलर को। अब दो कलर में बना सकते हैं घर में ही नेल पेंट से। तो जरूर से जरूर लाइक करें। तो क्या दोस्तों आपको पता है कि नारियल तेल को में कपूर डालने से क्या होता? जो दोस्तों गर्मी के टाइम में होता है कि अभी जो पसीने की वजह से खुजली वगैरह होने लगता है, या तो सर में खुजली होने लगता है, या तो कहीं भी इधर उधर जैसे एक जलन जैसा और दाग धब्बा जैसा होने लगता है, तो इस तरह के समय में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए लेंगे कपूर, और कपूर को इस तरह से जो है कि एक पेपर की सहायता से हम इसमें कूट लेंगे। और देख सकते हैं कि इस तरह से कूट के हम एक चूरा की तरह बना लेंगे, बिल्कुल बारीक से कूट लेंगे। और इसको हम कूट के एक जो है कि नारियल तेल में धरेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम नारियल तेल डाल दिए हैं, और इसको हम थोड़ा देर के लिए इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे इसमें। और इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं कि इस तरह से जो है कि काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि बबधर के है हो चुका है, तो इस बबधर में भी हम लगाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जलन जैसा हो चुका है, ये गर्मी से होने लगा है, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे। इस तरह से जब भी खुजली वगैरह होने लगेगा तो इस तरह से लगा सकते हैं, और कानों में फटा फटा होने लगा है तो इस तरह से हम लगाएंगे, जिससे ये बहुत ही काफी असरदार रहता है।